खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनिया, ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता, फूल गली खुशलाणी रेडियो के सामने, खुशलाणी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह आज एक दिवसीय प्रवास पर खंडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित लोगों की समस्या सुनी और अधिकारियों को तत्काल समस्या दूर करने के निर्देश दिए। मंत्री विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार हम वैक्सीनेशन मतदाता सूची के आधार पर चेक कर घर घर जाकर वैक्सीन लगाएंगे। कोई काम पर है तो उसे गाड़ी में बैठा कर वैक्सीन लगाने लाएंगे। हमारी प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाए और सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन तक हम 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का हर नागरिक प्रधानमंत्री का जन्मदिन के पखवाड़े तक वैक्सीनेशन लगा कर पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। आज वन शहीद दिवस के मौके पर वन मंत्री विजय शाह ने शहीद हुए वन कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सीमित संसाधनों में जंगलों की सुरक्षा जान की बाजी लगाकर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मध्य प्रदेश सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि जो हमारे वनों की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिली, उनको इतनी राहत राशि मिले कि परिवार की स्थिति ठीक हो जाए। 208 में वनों की सुरक्षा करते हुए जो शहीद हो जाते थे, उन्हें 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर हमारी सरकार ने 208 में 10,00,000 रुपए राहत राशि और अनुकंपा नियुक्ति चालू कराई है। वनों की सुरक्षा के दौरान जो लोग शहीद हुए, उन्हें आज हम भोपाल में उन परिवारों को सम्मानित कर रहे हैं। जंगलों की सुरक्षा लगातार हम ये प्रयास करते हैं, सीमित संसाधनों में जान की बाजी लगा के जंगलों की सुरक्षा। मध्य प्रदेश के 30% से ज़्यादा हिस्सों में वन हैं और सब खुला हुआ है, उनकी सुरक्षा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने हमेशा ये प्रयास किया है कि जो हमारे वनों की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिले, उनको इतनी राहत राशि मिले कि परिवार की स्थिति ठीक हो जाए। आप सबको मालूम ही होगा कि जब 2007 में मैं वन मंत्री था तो गलती से वन की सुरक्षा करते हुए जो शहीद हो जाते थे उनको केवल 1,00,000 रुपये मिलता था, लेकिन 2008 में मैंने स्वयं ने इन्हीं मुख्यमंत्री से मिल करके 10,00,000 की राशि और अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था चालू करवाई थी। और आज भी हम चाहते हैं कि वनों की सुरक्षा लोग जो जान की बाजी लगा के करते हैं, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, उन परिवारों को आज भी हम भोपाल में जो शाम को प्रोग्राम होगा उन परिवारों के सम्मानित कर रहे हैं कि बिना वैक्सीनेशन के हम और आप कोई सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन कराएं। इसलिए आशापुर में हमने ये प्रयोग शुरू किया था कि जो हमारी वोटर लिस्ट के आधार पर, जैसे घर घर जाकर के अगर रिश्तेदारी में गया तो रिश्तेदारी से लाएंगे, खेत में काम कर रहा हो तो खेत से लाएंगे, गाड़ी में बिठा के लाएंगे और वोटर लिस्ट के आधार पर उसको चेक करेंगे। हम 99% करने में सफल हुए हैं। वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वोटर लिस्ट के आधार पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम का निर्धारण किया है। इससे हम सही रिजल्ट जनता तक पहुंचाएंगे और लोगों को वैक्सीन सेंटर ला पाएंगे। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये पखवाड़ा, जन्मदिन पखवाड़ा, ये अपने आप में ख़त्म होते होते मध्य प्रदेश उस स्थिति में पहुँच जाएगा कि जब सिंगल डोज मध्य प्रदेश की रहने वाली समस्त जनता और जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा वहाँ तक पहुँच जाए, इसकी चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।